बात नहीं मानता, हमको बोला दुबई लेके जाएगा, शॉपिंग कराएगा और बीवी को लेके गया। डार्लिंग वो हमारा सोशल जिम्मेदारी है। और हाँ, तुम हमारा प्यार का बीमारी है। कार पार्किंग सर, योर कीज। हाँ नहीं, देखो गाड़ी का बैंड नहीं बजाने का, ज्यादा रेस नहीं करने का, स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए, समझा के नहीं? समझ गया। हाँ, ले आओ। एक girl to the bugger, down, I got you hot girl, how you like me, nah, every time I come around, girl is going down, been around the world, yeah, one day you know my style, connect the hot girl to the bugger, down, I got you hot girl, how you like me, nah, every time I come around, girl is going down, been around the world, yeah, one day you know my style, connect the... तेरी गाड़ी लाल कलर में ही है यार, पहली बार कर रहा हूँ क्या? तू बस पैसे तैयार रखा, और हाँ इस बार 5-10 हज़ार की चिंदी गिरी नहीं चाहिए मुझे, मैं वहीं जहाँ हमेशा होता हूँ। आता हूँ 2 घंटे में, फोन रख। नताशा, हाय नताशा, कहाँ थी तुम इतने? एक्सक्यूज मी, नताशा? नो, वही मैं सोच रहा था, नताशा इतनी अच्छी कब से लगने लगी? एनीवेज आई एम वीरू, और तुम्हारा नाम? बलविंदर। बलविंदर पापा ने रखा होगा? नहीं, तुम्हें कैसे पता? एनीवेज कैन आई ऑफर यू ड्रिंक? नो थैंक्स, आई डोंट ड्रिंक। मैं भी नहीं पीता हूँ, हमारी आदतें कितनी मिलती जुलती है। अच्छी बात है, पीना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ लेकिन डांस करना अच्छा होता है, चले Come on, let's go dance, come on. चलो. सॉरी, हाँ जाओ। अरे कहाँ जा रहा है? नाचने जा रहा हूँ लड़की के साथ। डांस करेगा तू? हीरो है तू? लड़की के सामने धक्का मारा यार तू। तेरी भैया भैया ये चारों भैया पहले क्यों नहीं बताया? साथ में डांस करते थे ना हम लोग। हम लोग तूने मेरा ड्रिंक गिराया। हाँ तूने इसका ड्रिंक गिराया, तूने इसका ड्रिंक गिराया, इसका इन तीनों ने भी गिराया था। ठीक है मैन, थैंक्स। मैं जानता हूँ इन लोगों ने तुम्हारा ड्रिंक गिरा दिया, लेट मी बाय यू वन। शो बाय द वे आई एम वीरू। जय। हाँ जय वीरू, जय वीरू। रंग रजवाने रंग लगाया, दर्जी ने सलमा सितारा जड़ा, दिल वालों की
की गलियों में मेरे घाघरे का कोहरा बड़ा घाघरे पे घाघरे पे आगरे के घाघरे पे जयपुर की जाली आगरे के घाघरे पे जयपुर की जाली जो भी देखे प्यार से बोले क्या लगती है साली आगरे के घाघरे पे घाघरे पे घाघरे पे आगरे के घाघरे पे घाघरे पे घाघरे पे महकी महकी तेरी खुशबू जा पुरानी तेरी बलके तो लश्कारा तेरी आंखें सुर में दानी तेरी सांसें महकी महकी तेरी खुशबू जा पुरानी चेहरा नूरानी है जालिम जवानी है तेरी अदा में थोड़ी बेईमानी है तेरी चाल में चाल भंवर गई तू चलती कर्म अंगीठी गुलकंद तेरे होठों पे तेरी बातें गुल से मीठी तेरी चाल में चाल भंवर की तू चलती नरम अंगीठी जन्नत से आई है मस्ती से लाई है सहनो जी पे मेरे बस तू ही चाहिए है देश में रुमाल तने ओ तने ओ तने देश में रुमाल गली डाला देश में रुमाल तने ऐसा गली डाला जो भी देखे प्यार से बोले क्या लगता है साला आगरे के घाघरे पे घाघरे पे घाघरे पे आगरे के घाघरे पे जयपुर की जाली आगरे के घाघरे पे जयपुर की जाली जो भी देखे प्यार से बोले क्या लगती है साली आगरे के घाघरे पे जयपुर की जाली जो भी ले गए प्यार से बोले क्या लगती है साली घाघरे के घाघरे पे घाघरे पे घाघरे पे घाघरे के घाघरे पे 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 चल कुछ खाने चले गाड़ी है तेरे पास है ना लेडी इन रेड सर यही है वो आदमी जिसने मेरी गाड़ी चुराई थी चल भाग पुलिस भाग हवलदार पीछा करो वो लाल गाड़ी तूने चोरी की थी हाँ नहीं उधार ली थी तो अब क्या कर रहा है अब चोरी कर रहा हूँ जल्दी कर तेरे पास टाइम नहीं है Get out!
वहां जाकर चेक करो। इसकी भी चाबी मिल जाती ना तो बहुत टाइम बच जाता। मतलब चाबी के बिना पहली बार चोरी करा? अबे नर्वस मत कर, एक तो वैसे ही पुलिस पीछे लगी हो तो सवाल जवाब कर रहा है। क्यों, पुलिस को जवाब देना? मूव, चल 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 चल। Yes. तू भी गाड़ियां चुराता क्या? मैकेनिक। Cheers then. पार्टनर, ये गाड़ी उड़ाने के धंधे में तेरा हाथ अभी तक साफ नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि मैं पहले प्लेन उड़ाया करता था। प्लेन? लेकिन बेचता कहाँ था? बेचता? अबे उड़ाता था, मतलब सचमुच उड़ाता था। मैं पायलट ट्रेनी था। ओह, ओह, पायलट ट्रेनी। तो फिर तू इस धंधे में कैसे आ गया? रोमांस के चक्कर में। कुछ समझा नहीं? लड़की का बाप मेरा बॉस निकला, उस साले को पता चल गया। छोकरी भी गई, नौकरी भी गई। वेरी 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 सैड। लेकिन तू मेरे को ये धंधे में फुल खानदानी लगता है। मेरा सारा खानदान ऊपर गया और मैं अकेला नीचे। वेरी सैड। बट जय, डोंट वरी, आज से तेरे आगे भी मैं और तेरे पीछे भी मैं। समझा नहीं? अरे समझना क्या है, मतलब कि आज से तू मेरा भाई। नहीं 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 नहीं, तू मेरा भाई। मैंने बोला ना, तो तू मेरा भाई। तू मेरा भाई। तू मेरा भाई। बलविंदर के भाई को बुला। उसको नहीं बुलाना। चल ठीक है, मैं तेरा भाई। लेकिन इस वजह से नहीं है कि मैं बलविंदर के भाइयों से डर गया। वो लोग को तो मैं सब पकड़ के गटर में सीधा। वीरू, वीरू तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, मेरा सर घूम रहा भाई। जमीन को पकड़ के रख। ए भाई क्या? जमीन भी घूम रही है भाई। डोंट वरी, डोंट वरी, होता है, होता है। ठंडा पानी मुंह पे मार गया, सारी उतर जाए। ओके, ओके, ठीक है जय। गुड। एक बात बोलूं जय, ये दारू बहुत बेकार चीज है। आज के बाद मैं दारू पीऊंगा ही नहीं। तू नहीं पिएगा तो कल से मैं भी नहीं। चल कल से तू ही नहीं पिएगा। अरे मैं तो कसम खाता हूँ, आज के बाद दारू को देखूंगा भी नहीं। अरे देखना छोड़ो, मैं तो सूंघूंगा भी नहीं। ए भाई, इसके अंदर दो और भी अरे। चल वो भी गटर में डालते। हाँ, पकड़ो भाई। चेस जे। चेस वीरू। वीरू, कहाँ गया तू? गटर में। What's up मैकेनिक? तू यहाँ क्या कर रहा है? कमाल हो गया, साला। ए! मेरा फ्रिज में से बियर कौन मारा? बोल। ए साफ साफ बोल तुम लोग। ए पीटर, कौन पिया यहाँ से बियर? ए मोहन बोल। अरे कौन पिया बोल? जय, ये ले। ये क्या है? कल वो गाड़ी उड़ाई थी ना, वो मैंने ठिकाने लगा दिया। उसी का 50% है तेरे लिए। नहीं यार, मैं नहीं लूंगा, ये सब तेरी कमाई है। पागल हो गया क्या? तेरे बगैर अकेला उड़ा पाता क्या मैं? यार इन लफड़ों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं बस एक मैकेनिक हूँ। तो मैंने कब कहा नहीं है? अपना माल काट और अपनी गराज खोल, नहीं तो जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करता रहेगा। ए जय, ए साला, ए हरामी, ये तेरा बाप का गैरेज है क्या जो इधर बैठ के गप्पे मारता है तू? देखा, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। हाँ, ये तेरा भाई है? तेरा बाप ने इसको रातों रात पैदा कर दिया क्या? तू साला बियर पिया होएगा मेरा। वीरू, एक नोट दे। आ,
ये थी मेरे बाप को हरामी बोलने की कीमत और ये तेरे बियर के पैसे। अपनी पार्टनरशिप चालू करें। सबसे पहले इसी की गाड़ी उड़ाते। कोई फायदा नहीं, सबकी सब खटा रहे हैं। करूं बस तेरी बातें, तेरा दिन तेरी रातें करूं बस तेरी बातें। वो तेरा दिन तेरी रातें करूं बस तेरी बातें, तेरा दिन तेरी रातें करूं बस तेरी बातें। बड़ा तड़पाए मुझे कैसे मैं बताऊं तुझे, दिल में कसक तेरी जागी, तेरी धुन लागी, तेरी धुन लागी, तेरी धुन लागी। बस तेरी बातें, तेरा दिन तेरी रातें करूं बस तेरी बातें। तेरे ख्यालों की दुनिया बसाई है, मेरे फसानों में तेरी परछाई है। तेरे बिना कहीं जिया नहीं लगता, तेरे सिवा मैनू कुछ नहीं जचता। तेरी बेखुदी है चाई जो तेरी झलक पाई, मेरी तन्हाई कहीं भागी, तेरी धुन लागी, तेरी धुन लागी, तेरी धुन लागी। रूह में उतारू मैं, ओ, 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 तेरी यादों में लम्हे गुजारू मैं, तेरी मोहब्बतें रूह में उतारू मैं। तेरे ही दम से सांसों की रवानी है, तेरे वास्ते ही अब मेरी जिंदगानी है। जागू चाहे सोया रहूं, तुझ में ही खोया रहूं, मेरा मन तेरा बैरागी, तेरी धुन लागी, 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 तेरी धुन वैसे जय जानता है मेरा एक ही सपना है। क्या? ऐसे एक खूबसूरत से बीच पे अपना एक प्यारा सा शैक हो और दिन भर बैठा हुआ मैं बिकिनीज में घूमती इन खूबसूरत बलाओं को देखता रहूं। वैसे मेरा भी कुछ ऐसा ही सपना है, बट आई प्रेफर द माउंटेंस। पहाड़ों में अपना एक कॉटेज हो, एक छोटी सी फैमिली, दैट्स व्हाट आई वांट। इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। मेरी माँ भी यही कहा करती थी, वीरू पहाड़ों पे सनराइज देखने जैसा और समुद्र किनारे सनसेट देखने जैसा और कुछ नहीं है। माँ ही चाहती थी मैं पायलट बनूं, लेकिन ना माँ रही और ना ही मैं पायलट, बस मैं और मेरा ये सपना। वीरू तू ये सब छोड़ क्यों नहीं देता? हमारे काम में आज नहीं तो कल आदमी पकड़ा जाता है, और ये जानते हुए भी तू। जानता हूं यार,
मुझे भी कौन सा इस लाइन में पीएचडी करना है, मुझे खुद ही ऐसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन तू जानता है पैसा सिर्फ इसी में है, एंड आई एम ऑलमोस्ट देयर जय, बस थोड़ा सा रिस्क और, उसके बाद मैं और मेरा बीच हाउस। लेकिन अभी पीड़ा या टू मोर इयर्स। ओके, लगता है तेरा बीच हाउस तो बन जाएगा, लेकिन मेरा कॉटेज बनाने के लिए मुझे एक और जन्म लेना पड़ेगा। क्यों यार, हम दोनों 50-50 पार्टनर्स हैं ना, लेकिन तेरे पास हमेशा मुझसे ज्यादा कैश होता है। ऐसा नहीं है जय। चीयर्स मैन। चीयर्स। ये ले। ओए पीटर। या? ये 500 का नकली नोट किसी और को चिपकाना, वीरू को नहीं। क्या बोलता है? चेंज करके ला। नकली नहीं है मैन। चेंज कर वरना जो मर पड़ेगी वो नकली नहीं होगी। समझा? ओके। आई लव दिस मैन। जय पता है जब तू मेरे साथ होता ना तो कोई टेंशन ही नहीं रहता। ऐसा लगता है मेरे साथ मेरा बड़ा भाई है। आई मीन माई बिग ब्रदर। तुझे कैसे पता था वो नोट नकली है? ये इंक से। इंक से मतलब? मतलब की डिटेल्स मैं तुझे फिर कभी समझाऊंगा। वैसे ये वीरू का स्पेशल टैलेंट है मेरे भाई, और इसीलिए तो मेरे पास तेरे से ज्यादा कैश रहता है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। देख एक्चुअली मैं ना हाय, मेरा नाम नवस है और मैं हमेशा इतना वीरू नहीं होता हूँ। क्या? आई मीन मेरा नाम वीरू है और मैं हमेशा इतना नर्वस नहीं होता हूँ। हाय, आई एम वीरू। दिव्या। एक्चुअली मैं एक पायलट हूँ। ओह, मैं मुंबई से आया हूँ। आप कहाँ से हैं? मुंबई। ओह, आप भी मुंबई से हैं? दैट्स ग्रेट। मैं यहाँ पे अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, आपको पानी से बाहर आते हुए देखा तो आई जस्ट कुडंट स्टॉप माय सेल्फ और आपको बताने चला आया कि आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। इसीलिए मैं आपसे बात करने चला है। ओह, तो आप सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से बात करते हैं, उनका क्या जो खूबसूरत नहीं? ऐसा नहीं है, उन लड़कियों से मैं राखी बंधवा लेता हूँ। यू सी, उन लोगों को भी तो कोई प्रोटेक्ट करने वाला चाहिए ना। तो आपको चीजें उड़ाने का शौक है? नहीं, मैं कुछ नहीं उड़ाता हूँ, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। आई थॉट यू सेड यू आर अ पायलट, प्लेन नहीं उड़ाते आप? ओह, दैट वे, दैट्स फनी। हाँ, प्लेन तो उड़ाता ही हूँ, उसके साथ साथ कुछ लड़कियों की नींदें भी उड़ा लेता हूँ, ऐसा मेरे दोस्त कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको कुछ नए सच बोलने वाले दोस्तों की जरूरत है। इसीलिए तो आपसे दोस्ती करने आया हूँ। सॉरी, आई गॉट गो। अब दिव्या, तुम्हारा फोन नंबर, मुझे भी लगता है कि मुझे एक नए दोस्त की जरूरत है। तू इतना टेंशन क्यों ले रहा, फोन करना उसे। नहीं जय, मेरी मत नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे यार रिलैक्स बड़ी, मैं हूं ना तेरे साथ। पक्का? हेलो। हाय दिव्या। यस। हाय दिव्या। दिव्या, मैं वीरू बोल रहा हूँ। कौन वीरू? सॉरी। हम गोवा में मिले थे। कब? याद है तुम समुद्र से निकल रही थी, क्या सेक्सी लग रही थी। स्वीट लग रही थी दिव्या, तुम स्वीट लग रही थी। फोन क्यों किया है दिव्या? क्या हम लोग मिल सकते हैं? मैं अभी योगा क्लास में बिजी हूँ। योगा? योगा, तुम भी योगा करती हो?
अरे मैं भी योगा करता हूँ। आई लव योगा। रियली? मैं तो दिन में 3 बार योगा करता हूँ। वाओ, क्या करते हो योगा में? योगा में सबसे पहले मैं आम खाता हूँ। आम? तुम योगा में आम खाते हो? हाँ, आम खाता हूँ, मतलब योगा से पहले आम खाता हूँ, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद योगा में प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम इज ग्रेट। अच्छा, वो सब छोड़ो। दिव्या, क्या हम लोग, मतलब तुम और मैं मिल सकते हैं प्लीज? अच्छा, कहाँ? हाँ, मैं बताता हूँ। हम मिलेंगे, हम तुम्हारे घर पे मिलेंगे। नहीं, मेरे घर पे? तुम्हारे घर पे क्यों मिलेंगे दिव्या? बाहर मिलेंगे, तुम्बा कैफे में मिलेंगे। बहुत अच्छी जगह है। क्या कॉफी मिलती है वहाँ? ओके, कल 2 बजे? कल 2 बजे। Drinks cancel. I'm having coffee. लेकिन तुझे कॉफी पसंद नहीं है। तो ठीक है ना यार, कॉफी के साथ टॉफी भी तो है। I love coffee. है ना? कमाल है, नहीं मतलब you love coffee, I love coffee, both of us love coffee. तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मतलब कि we are made for each other? Maybe. मुझे तो ऐसे लगता है। क्या कबाब में हड्डी? कुछ नहीं, वहां देखो यहाँ का ना मुझे सनसेट बहुत पसंद है। 2 बजे अभी शाम को देखो, उधर ऑरेंज नीचे आता ना, बहुत खूबसूरत। जय, यहाँ कैसे? तू नहीं तो बुलाया था मुझे। मैं क्यों बुलाऊंगा यार? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया था। याद कर ले, तब तक मैं कॉफी पीता हूँ। I'm Jay, we met in Goa. हाँ, we met in Goa. मेरे साथ था, मेरे भाई जैसा है जय। I know. आपको भी कॉफी बहुत पसंद है? हाँ, बहुत। वीर को भी बहुत पसंद है। अच्छा, पहली बार पता चला। वैसे आपको पता है वीर? अबे कुछ नहीं, इसको कॉफी बहुत पसंद है। कॉफी पीना, हम 6 पी गए, बहुत अच्छी है। मैंने कुछ कहा क्या अंजलि? मेरा नाम दिव्या है। हाँ दिव्या है, इसने बोला ना। अंजलि कौन है? दिव्या, मैंने भी बोला गोवा में मिले थे, दिव्या है। ये इतनी लड़कियों पे लाइन मारता है तो नाम भूल जाता हूँ। I'm so sorry. मजाक कर रहा है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत वियर्ड है। कल रात जब तू दारू पीकर गटर में गिरा था, तूने अंजलि का नाम लिया था। मैं दारू पीकर क्यों गिरूंगा गटर में? ये अंजलि कौन है? अंजलि गटर, अंजलि कौन है? गटर में अंजलि का नाम क्यों लूंगा मैं? तू जानता है अंजलि मेरी छोटी सी मुंह बोली बहन है, इतनी प्यारी है ना। पर तुम दारू पी के गटर में गिरे थे। मैं वो मैं रोज गिरता नहीं, मैं अबे अबे जय भाई, पहली डेट है, आखिरी डेट क्यों बना रहा है यार? ठीक है, मैं चलता हूँ, याद आए तो बता देना। थैंक यू दिव्या, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो जो इसे पसंद कर लिया, वरना ये कुआरा मर जाता। बाय। ये ऐसे ही तुम्हारी टांग खींचता है? ये हमेशा, बचपन से ही ऐसा है। मैं छोटा हूँ ना, इसलिए खींचता रहता है मेरी। एक्चुअली हम लोग साथ में एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसी के बारे में बात करना आया होगा। मैं भूल गया, मैं 2 मिनट उससे बात कर लूँ वरना बुरा मान जाएगा। 2 मिनट। हाँ मैं आया भैया, तुम अब 5-6 कॉफी और मंगा लो, 5-6 पियेंगे साथ में। हाँ जय जय, रुक। क्या हुआ? तू क्या मेरी दिव्या के सामने ले रहा था? अच्छा सुन, मुझे याद आ गया, मैंने तुझे आके बुलाया था। तू उस दिन गोवा में मुझसे पूछ रहा था ना कि मैं एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से लाया। मैं तेजपाल के लिए पार्ट टाइम करता हूँ। तेजपाल? वो बिजनेसमैन? हाँ, और तेरी भी मीटिंग मैंने अगले हफ्ते के लिए फिक्स कराई है। मैंने सुना है वो बहुत खतरनाक है। अपने को क्या करना है? देख, मैं काम करता हूँ छोटा, लेकिन माल लेता हूँ मोटा। तू भी काम कर, माल बना, उसके बाद कौन तेजपाल पहचानेंगे ही नहीं। चल ठीक है, ओके। तू जो अंजलि तेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ। अबे कौन अंजलि यार। चल। That's right. Pump it up. You got something. There's something about you, girl. My heart starts pumping whenever you're around. My world goes upside down. Then you let me go. Oh,
अपने ना चाहता था तुम में आज भी वो फुर्ती है या नहीं इंस्पेक्टर जय। ट्रेनिंग तो आप ही नहीं दी है सर। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से तुम कुछ ज्यादा ही एंजॉय करने लगे हो, दिखता भी है। सर मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। 2 करोड़ की कारें चुराना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। 2 करोड़ की किसी की कारें चुराना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी है तेजपाल तक पहुंचना, उसके बिजनेसेस, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग, जाली नोट और उसकी आर्म्स डीलिंग के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना और मुझे रिपोर्ट करना। और डिपार्टमेंट में किसी को नहीं पता है कि तुम अंडरकवर काम कर रहे हो। सर वीरू मुझे वीरू क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वीरू तुम्हें किस तरह से तेजपाल तक ले जाएगा? कारें चुराकर, और वो भी तेजपाल के लिए नहीं किसी और के लिए। वीरू को चुनकर बहुत बड़ी गलती की है तुमने। वो एक छोटा मोटा चोर है। सर वीरू मुझे शट अप। जय, ये ऑपरेशन मेरे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है, इसलिए
मैं इसे बंद कर रहा हूं। सर, वीरू कुछ ही दिनों में मुझे तेजपाल से मिलवाने वाला है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर आप बहुत गुस्से में थे। मीटिंग कब और कहाँ है? सर अभी तक पता नहीं। जैसे ही मीटिंग की जगह पता चले मुझे फौरन इन्फॉर्म करो, ओके? यस। इस मीटिंग में तुम माइक्रोफोन पहन कर जाओगे। सर अगर उन्होंने मेरी तलाशी ली। कोई रास्ता है? नहीं, नहीं सर। ओके। सर एक रिक्वेस्ट है सर। बोलो। सर इस केस में जो भी हो मैं वीरू की मदद करना चाहता हूं, उसे एक नई जिंदगी देना चाहता हूं। जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड जय, इस ऑपरेशन की प्रायोरिटी सिर्फ तेजपाल है, अंडरस्टैंड? उसे पकड़ने के लिए हमने अपने कई ऑफिसर्स खोए हैं और इस बात को तुमसे बेहतर कौन जानता है। तू यहां तक पहुंचा कैसे? बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। हमें इतना किसी मुर्दे को भी लाएगा ना तो वो भी जाग जाएगा। तू नई गाड़ी क्यों नहीं लेता? बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। सर ये मेरा दोस्त जय है, मैंने पिछले हफ्ते आपको इसके बारे में बताया था। सब इससे अपनी तलाशी होने नहीं थी। तूने गेट पर अपनी तलाशी नहीं होने दी? सर मैंने ही वो आते ही मेरे नियम तोड़ दिए। नियम तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ता, मैं भी नहीं। दीपू सर ये मेरे भाई जैसा। सर सर इसके लिए अपनी जान दे सकता हूं। अच्छा तो सचमुच इसके लिए अपने प्राण दे सकता है? दे सकता हूं। और तू? मैं इसके लिए किसी की जान ले भी सकता हूं। सचिन क्लीन। वीरू। यस सर। नेक्स्ट वीक हमारा मलेशिया से शिपमेंट आ रहा है, इसे अपने साथ रखना। रेडी? यस सर। ध्यान से सुनो सर, तेजपाल को रंगे हाथों पकड़ने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। उसको पकड़ने की कोशिश में हमने अपने कई ऑफिसर्स खोए हैं, सो बी अलर्ट। तेजपाल से मिलने के बाद जय हमें सिग्नल देगा, इसलिए जब तक जय का सिग्नल हमें नहीं मिल जाता हमारी तरफ से कोई हरकत नहीं होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। वीरू पर कोई भी गोली नहीं चलाएगा, मैं उसे खुद अरेस्ट करूंगा। इज दैट क्लियर? यस सर। आई थिंक वीरू को लेकर तुम कुछ ज्यादा ही नहीं। सर वीरू बच्चा है, उसे शायद खुद पता भी नहीं कि कितना खतरनाक जाल है जिसमें वो खुद फंसा है। कोई भी क्रिमिनल इनोसेंट नहीं होता। In position. In position, sir. Ready?
दीपू च्युइंगम खाएगा? मूंगफली खा। तू इसे सुपारी दे, इसे वही लेने की आदत। जा जा हवा खा के आ, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। विंडोज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। और भी 15 लोग यहाँ चुपचाप खड़े हैं तो तुझे क्यों खुजली हो रही है? समझा? चल टाई सीधी कर, घूम कर आ। इन डब्बों में क्या है? इसमें दिखाता हूँ, इसमें है वीरू की कला। आम 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 के नीचे दाम। ये परफेक्ट। अरे वाह कासिम, तू तो एकदम असली जैसे नोट बनाता है। छह तारीफ की और चोर निकला। ये देख, इसमें चांदी का धागा बराबर नहीं है, ये नहीं चलेगा। तू ये माल बेचेगा तेजपाल को? बॉस बोलेगा तो बदली करके देगा ना? वो तो तेरा बॉस बोलेगा ही, वैसे तेरा बॉस कब आएगा? आता ही होगा। अरे ये देख, ये 500 के नोट में लोचा है। क्या लेकर आया यार तू? क्या भाई, माल हमेशा अच्छा देता है। क्या बोलता रे? किसको बोलता है? किससे बात करता रे? मुर्गे की टांग से। लोचा है, लफड़ा है, पुलिस वाला है। वायर लगा के आया? हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। अबे ए दीपू, क्या भेजा फिर? क्या तेरा क्या वायर? जिम जोन देकर आया क्या? ये पुलिस वाला है। अरे चलना, काहे का पुलिस वाला है? ये पुलिस वाला है, वायर पहन के आया और मैं इसको इधर लेकर आया हूँ। मैं भी तो दिखूंगा। कोई भी वीरू पर गोली नहीं चलाएगा। अंदर से रोजा है? साला पुलिस वाला निकला है। वीरू, वीरू, बाहर आ मेरे दोस्त। इट्स ओके। हे जय, आगे मत आना, आगे मत आना। पागल मत बन वीरू, ये प्लान सिर्फ तेजपाल को पकड़ने के लिए था। मैं तेरा दोस्त हूं वीरू। दोस्त? दोस्त के नाम पर गाली है तू? कम ऑन वीरू। हे, आगे मत आ, आगे माता। तूने मेरे भरोसे को गोली मारी है। वीरू तुझे कुछ नहीं होगा, तू कभी हमारा टारगेट था ही नहीं। मेरी पीठ में छुरा भोंककर तू अपनी छाती में मेंढ लगाना चाहता था ना, आज तू मरेगा। तू मुझ पर गोली चलाएगा? चल वीरू पिस्तौल नीचे रख। आई प्रॉमिस यू तुझे कुछ नहीं होगा वीरू, ट्रस्ट मी प्लीज, प्लीज ट्रस्ट मी। Yeah.
Stop you! लाया था ना उस पुलिस वाले को, मैं उसके लिए अपनी जान दे सकता हूं। ये वीरता भरे शब्द तूने ही कहे थे ना, अब दे अपनी जान। आज नहीं, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, मैं हूं यहां पे। Down. मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे, क्या हुआ है मुझे? It's okay. It's just a temporary condition. You'll be fine. मैं अपनी उंगलियां तक नहीं हिला पा रहा हूं। I have no control. सच बताओ, क्या हुआ है मुझे? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। सच तो ये है कि तुम बहुत खुशनसीब हो। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सर पर इतना गहरा जख्म खाने के बाद बच पाते हैं। तुम्हारे सर में एक मेटल प्लेट लगाई गई है जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी और ब्रेन कोऑर्डिनेशन खराब हो गया है, लेकिन फिक्र मत करो, तुम जल्द ही एक बच्चे की तरह चलना सीख जाओगे। लेकिन कब तक? वेल, दैट डिपेंड्स तुम्हारी विल पावर पर, तुम कितनी मेहनत करते हो उस पर, और तुम मुझ पर कितना भरोसा रखते हो। चलो ना, get some rest, close your eyes and go to sleep. Boss, अगर वीरू ने वो black book पुलिस को सौंप दी तो आप problem में आ सकते हैं। ज्योतिष पे तेरी अच्छी पकड़ है, यही पकड़ वीरू पर भी बना। अगर वो black book मेरे शत्रुओं के हाथ में आ गई ना, तो I'll be ruined. Get me वीरू। Please. Hello? Hello, Divya. Veeru, where have you disappeared to? कहाँ हो तुम यार? Divya, actually वो एक aviation seminar के सिलसिले में मुझे Bangkok आना पड़ा। कुछ ही दिनों में वापस आने की कोशिश करूँगा। तुम ठीक तो हो ना?
मिसिंग यू। आई मिस यू टू। आई लव यू वीरू। लव यू टू दिव्या। हेलो दिव्या। यस। जय तुमसे मिलना चाहता है। मैं सब संभाल लूंगा, यू डोंट वरी। जय, ये सब क्या है, कैसे हुआ, आर यू ओके? दिव्या, वीरू कहाँ है? वीरू? लेकिन ये सब हुआ कैसे? सर, वीरू अंडरवर्ल्ड डॉन तेजपाल के लिए काम करता है। What? और जय एक पुलिस इंस्पेक्टर है। जब हमने तेजपाल को पकड़ने के लिए उसके वेयर हाउस पर जाल बिछाया तो वीरू ने जय पर गोली चला दी। इस वक्त वो एक भागा हुआ मुजरिम है। उसे पुलिस से भी खतरा है और तेजपाल से भी। लेकिन मैं उसे बचा सकता हूँ अगर तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ है। इतना सब होने के बाद भी तुम उसे बचाना चाहते हो? हाँ। वीरू, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है, पर अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओह, दिस वे यू। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। बाय। इस पर नजर रखिए, वीरू तक पहुंचने का एक रास्ता है। जब पता है जब तू मेरे साथ होता ना तो कोई टेंशन ही नहीं रहता। ऐसा लगता है मेरे साथ मेरा बड़ा भाई। आज तू मरेगा। जय, निशान नहीं दिखेगा, फिर वही सपना देखा क्या? I don't know what I would have done without you, Anna. अगर तुम नहीं होती तो शायद अब तक मैं उस बिस्तर पर लेटा होता। You're fine now. तुम्हें कुछ नहीं हुआ, I promise. So, back to work. कैसा लग रहा है? मुझे तुम्हारे साथ रहने का मन कर रहा है। अच्छा, और काम पे कौन जाएगा? छुट्टी ले लूंगा। काम शुरू भी नहीं किया और छुट्टी? तुम्हारी पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर लेंगे। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। हाथ लगा कर तो देखो। एक पुलिस ऑफिसर को अपना निशाना बनाने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। इन हथकड़ियों से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ऑफिसर? मुझे तड़पाती है, तरसाती है, मेरे दिल को सनम धड़काती है, बहकाती है। तू कभी किसी और की होना
नहीं, जादू तेरे इश्क ने ऐसा किया, सूफी तेरे प्यार में बन ही गया, सूफी तेरे प्यार में बन ही गया। वेलकम बैक सर।
वीरू दिव्या तुम यहाँ? देखना चाहती थी तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। ओ पायलट ट्रेनिंग सुपर फैबुलस तुम्हें फोन पे बता। मैं जैसे मिली थी जय तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया उसने मुझे। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? इंडिया से बैंकॉक 6 महीने से तुम्हें ढूंढ रही हूं मैं। कुछ तो बताते। क्या बताता? पायलट ट्रेनी ही था, हालात ने चोर बना दिया। दिव्या मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता था, ये सब कुछ छोड़ना चाहता था और छोड़ ही दिया था कि जय ने मेरे सारे दरवाजे बंद कर दिए। वीरू अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो ना तो प्लीज हालात का सामना करो। जो भी होगा वी फेस इट टुगेदर प्लीज। आई एम सॉरी मिस्टर वेलेदमाद। यस आई एम अ टेपल ऑफिसर वीएस मालवा एंड यू आर अंडर अरेस्ट। क्या बे बाल लंबे तो गुड़ समझा क्या मेरे को? हे 2 मिनट्स दिव्या। आई एम सॉरी वीरू। सॉरी क्यों? आई थिंक मेरी वजह से पुलिस तुम तक पहुंच गई। दिव्या तुम इंडिया चली जाओ। यू आर किडिंग तुम्हें अकेला छोड़कर? मैं भी आ रहा हूँ। मैंने इंडियन पुलिस से डील कर लिया है। मैं तेजपाल के खिलाफ अप्रूवर बनने जा रहा हूँ। इस मेजर सस्पेक्ट का बैंकॉक में पकड़ा जाना और तेजपाल के खिलाफ इसका अप्रूवर बनने के लिए तैयार होना इस केस में मेजर ब्रेक थ्रू है। जय यू वेट आउटसाइड आई एम नियरली फिनिश्ड ओके। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस सीनियर सीबीआई ऑफिसर मिस्टर चंदोग जो इस केस में अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। ऑफिसर्स हमारा सबसे पहला मूव होगा वीरू को वापस सेफली इंडिया लाना। वीरू और उसके लिए सीबीआई एजेंट मिस्टर सिंह और सीनियर ऑफिसर मिस्टर खन्ना को बैंकॉक भेजने का फैसला किया गया है। क्या वीरू कस्टडी में है? जय मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाद में कब सर? जब सिंह और खन्ना वीरू को बैंकॉक से लेकर वापस आ जाएंगे। सर दिस इज माय केस हाउ कैन यू डू दिस टू मी। ऑफिसर्स सर आप जानते हैं मैंने इस केस के लिए क्या कुछ नहीं किया है और आज मुझे इस केस से अलग किया जा रहा है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर। शट अप मैं अपने सुपीरियर से बात कर रहा हूं। यह केस तुम्हारे लिए अब ड्यूटी नहीं रहा बल्कि पर्सनल बन गया है। तुम वीरू को मारना चाहते हो जबकि वीरू मुझे जिंदा चाहिए। राहुल सर तुम्हारा भाई नहीं मेरा ऑफिसर भी था। माई टारगेट इज तेजपाल और उस तक पहुंचने के लिए मैं अपने इमोशंस को भी मार सकता हूं। सर जस्ट लेट मी डू माई ड्यूटी। अगर तुम बैंकॉक जाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है तुम्हें वीरू को जिंदा वापस लाना होगा। मैं खुद कर सकता हूं मैं बच्चा नहीं हूं। मैं तुम्हारे लिए पैक कर सकती हूं जय इतना तो डिपेंड कर सकते हो तुम मुझ पर। अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना है। अब क्या हुआ? नथिंग फॉरगेट अबाउट इट। फॉरगेट अबाउट व्हाट जय? मैंने तुमसे कभी कोई सवाल नहीं किए ये सोचकर कि तुम एक दिन मेरा भरोसा करोगे। तुम्हें लगता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है? और नहीं तो क्या? मुझे पता है कि वीरू तुम्हारे गुस्से का कारण है। एनीवे जस्ट गो फिनिश दिस ऑफ क्योंकि वीरू हम दोनों के बीच में आ रहा है। हे आई एम सॉरी आई लव यू एना एंड यू आर राइट आई नीड टू फिनिश दिस ऑफ वंस एंड फॉर ऑल एंड आई एम गोइंग टू आई लव यू टू। आई
ओके बाय दीपू. अभी पहले के 60 और अभी 120. You owe 120 baht if this goes, okay? Okay. Okay, boys, watch and learn. This is the coin. अभी देखो तुम लोग के पैसे कैसे लेके जाता हूँ. There it goes. हँसते रहो, शाम तक तुम लोग की सारी पगार लेके जाऊँगा मैं. Thank you. Who's in charge here? I am, sir. Why is the prisoner not handcuffed? Sir, he's not running away. He's a bloody criminal. Handcuff him straight away. और हथकड़ी के साथ साथ मेरे गले में फांसी का फंदा भी डाल दे, ताकि जब इसका मन चाहे खींच सके. मजबूरी है, वरना वो भी करता. Hey Simon, which is the world's most dangerous animal? Tiger? It's a snake. और वो भी आस्तीन का वो सांप, जो दोस्त बनकर साथ रहता है, और मौका मिलते ही डस लेता है. No chance. I'll kill him. अबे धक्का मार के आगे क्यों चला रहा है? एनकाउंटर करेगा मेरा? तेरा एनकाउंटर करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही बहाना चाहिए, और वो कुछ भी हो सकता है. तेरी छींक, तेरी हंसी या तेरी बकबक. इसलिए अपना मुंह बंद रख. क्या मुंह तो बंद ही था मेरा? ये तो नेचुरल रिएक्शन है. इसके लिए भी गोली मारेगा क्या? हाँ. का निशाना ही खराब है. ये तेजपाल साला मेरे इंडिया आने तक इंतजार भी नहीं कर सकता. हमसे गलती हो गया, आपके आदमी के खिलाफ विटनेस दे दिया. I'm sorry, sir. रमन्ना, मुझे डॉक्टर ने टेंशन, वायलेंस, मर्डर से दूर रहने के लिए कहा है. मुझे उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर है, इसीलिए मैं थोड़ी सी गांधीगिरी ट्राई कर रहा हूं. वरना तू अभी तक मेरे केमिकल प्लांट की भट्टी में होता. तो खुश नसीब है रमन्ना. और वैसे भी आज मुझे एक गुड न्यूज मिलने वाली है. बॉस? हेलो बॉस. वो दोनों उड़ गए. उत्तम, अति उत्तम. कैसे उड़ाया? गन से नहीं, वो प्लेन से उड़ गए. गुड न्यूज मिल गया सर? हाँ मिल गई, तू भी सुन. मेरी गांधीगिरी की दुर्गति कर दी. हाँ,
ये प्लेन कुछ ज्यादा हिल रहा है। तेरे डर से तू जिसकी खाता उसी की बचाता है। वीरू, the pilot is dead. क्या? ये तू क्या कर रहा है? अबे पैराशूट ढूंढ रहा हूँ। तुझे प्लेन चलाना आता है ना? हाँ, लेकिन हथकड़ियों के साथ नहीं। Pull the plane up, वीरू। सॉरी बोल। क्या? सॉरी बोल। Pull it up or I'll shoot. आ गया अपनी औकात पे। Come on, pull it up. Oh shit. अब क्या हुआ? यहाँ कहीं आसपास पेट्रोल पंप होगा क्या? किस लिए? पेट्रोल खत्म हो गया, भरवाना है। क्या? Oh God. No! No! Mayday! 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 अबे मैं नहीं, जून चल रहा है। अब तब बकवास मत कर, हम मरने वाले हैं। हम मरने वाले हैं। क्या तू ये प्लेन लैंड कर सकता है? कहाँ लैंड करूँ? यहाँ आसपास जंगल ही जंगल है, दिखता नहीं? फिर वो मेरे के लिए जमीन से पहले कौन सा हिस्सा टकराएगा? आगे का। क्यों? ठीक है, मैं पीछे जा रहा हूँ। अबे कमीने, नहीं। जय माता दी, 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 खराब है। वीरू, हम दोनों बच गए। ओ, रुक रुक रुक, आगे बता। तो क्या हुआ? अबे रुक जा, पीछे जा, पीछे जा। पीछे जगह कम है। हाँ, नहीं मेरी बात सुन, आगे मत आ, मैं आज पीछे आ रहा हूँ। उधर ही रह, मैं पीछे आ रहा हूँ। ओके ओके, पीछे जा। इल्ला मत, पहले से नहीं। इल्ला मत, आ रहा हूँ मैं। कसम, जय माता दी, शाबाश वीरू, क्या लैंडिंग की। साले हम दोनों की जान बचाई मैंने, चल शाबाशी दे। अच्छा छोड़, जान बचाने के लिए थैंक यू तो बोल। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, ये तो मेरा फर्ज था। यू वेलकम, लेट्स गो। अरे हवलदार, कितना घसीटेगा यार, थक गया मैं यार। एक काम कर, अपने बॉस को फोन कर और उसको बोल एक फर्स्ट क्लास हेलीकॉप्टर भेजे। तेरी दोस्ती में भी कमाल का हरामी बना है साला। 6 महीने तक तू मेरी बैंड बजाता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी? साला निशाना तेरा तेजपाल और जान फंसा दी मेरी। जान तो मेरी ले ली थी तूने उस दिन गोली मारकर। देख जय, वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? पता है तेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि तेरे एक्सीडेंट की वजह से मेरे सर में एक मेटल प्लेट लगानी पड़ी। अब मुझे भी लगानी पड़ेगी। ए हवलदार, ध्यान रखना, नहीं तो मौका मिलता ही पुर्र हो जाऊंगा। ए मजाक करो, मजाक करो भैया, घड़ी बदल ले, नहीं तो मैं नहीं गिफ्ट करता हूँ। अच्छा सुन, मेरे को सुसु आई है, ये हथकड़ियाँ खोल, आराम से करूँगा। पैंट में कर ले। क्या? अरे पागल हो गया क्या? सुसु आई है मुझे? अरे छोड़ दे भाई, छोड़, अगर किडनी फेल होती है मालूम है क्या? You got 30 seconds.
चल नर्वस मत कर, नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगा। हाँ 15 10 10 सेकंड में थोड़ी होता कुछ, ये जिप ही नहीं खुल रही मेरी। खुल, हाँ हाँ। टाइम्स अप, लेट्स गो। अबे क्या कर रहा जय? अबे अबे सुसु पूरा पैंट गीला हो गया यार। ठीक है भाई, इसका बदला होगा। जय जंगल में लेके जा रहा है ना, सारे जंगल के एक एक जानवर से तुझ पे सुसु कराऊंगा। इस जंगल में एक होटल तो मिला, थैंक गॉड। यहाँ शराफत से पेश आना। शराफत से पेश आना? मैंने जंगल में तेरे कपड़े फाड़ दिए थे क्या? तेरी बकवास नहीं सुननी है मुझे। तो मत सुन, कान बंद कर ले अपने। चल अंदर, भूख लगी है मुझे, कुछ खाते। पैनो डार्लिंग, जैसे ही काम तमाम हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। काम नहीं हो रहा ना। सत श्री अकाल बाबा जी। हाँ जी। ओहो, अपने बंदे आए हैं, क्या बात है जी। वेलकम वेलकम। यहाँ पे ना छोटी नाक वाले, छोटी आंख वाले देख देख के मैं परेशान हो गया हूँ। हाँ जी, सेवा दसो। कमरा है? कमरा पापा जी छोटा सा सिंगल रूम है, कोई बात नहीं, एक आदमी बेड के ऊपर सो जाए। थाले वाले फोन है जी, कहाँ करना है? इंटरनेशनल। वो उधर है जी, उधर कर लो, करो करो जी। पापा जी, ये मतलब कुछ कीता है? क्या लगता है? चोरी चकारी, गेम कतरी, डाका शाका? सर जय बोल रहा हूँ। जय, तुम ठीक तो हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तेजपाल को पता था हम वीरू को बैंकॉक से पिकअप करने वाले हैं। आई नो, ये इन्फॉर्मेशन मिली मुझे। और वीरू? वो ठीक है सर, मेरे साथ ही है। खून शून? पांच। पापा जी आप तो मेरे काम के आदमी हो, पांच खून कितने? माल को एक मेरे लिए कर दो, सिर्फ एक पापा जी, सिर्फ एक। अच्छा, मुंह मांगे कीमत दूंगा। किसका? इसे पूछो कहाँ है ये। तुम कहाँ हो इस वक्त? सर मैं मूनलाइट होटल ग्रीनवुड बैंकॉक के आसपास। डोंट वरी, कल सुबह मेरे आदमी पहुंच जाएंगे ने लेने के लिए। ये देखो, देखो तो सही, ये आपकी बीवी है? डायना है, बीवी थोड़ी डायना है। पैसे की क्या बात कर रहे थे आप? पैसे की परवाह नहीं है, जो बोलोगे वो दे दूंगा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। आप काम के लिए हाँ तो बोलो। देखिए बाबा जी, ऐसा है कि पैसों की बातें तो मेरा बिजनेस मैनेजर करता है, बुला लो। ओके सर, यू टेक केयर। पाजी ये टारगेट है, इसका खून करना है। ब्लैंड मर्डर करो, जो मर्जी करो, पर जनाब सेवा दसो, मुंह मांगी कीमत दूंगा, मुंह मांगी। अब गलत आदमी से बात कर रहे हैं। क्यों? हाँ ये पुलिस वाला है, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। पाजी सिंगल रूम नहीं है, आपके लिए हनीमून स्वीट है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज लकी डे पे आए हो, थैंक यू। आज फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो टाइम लगेगा डार्लिंग। चल उठ जा। सरदार जी को बोले कड़क चाय लेकर आ, फिर उठता हूँ। कड़क चाय और कुछ? और आमलेट पाव। जल्दी तैयार हो जा, निकलना है। ऐसे उठा था क्या कोई? अबे तू आदमी है कि जानवर है यार, ऐसे नहीं उठता मैं। शौक लग सकता है आदमी को, दिल कमजोर है यार मेरा। हेलो। हाँ याना। जय कहाँ हो? बैंकॉक में कोई मूनलाइट होटल ग्रीनवुड्स। कब आ रहे हो? शाम तक पहुंच जाऊंगा। होल्ड ऑन, इधर आ। क्या हुआ? हाँ ये एक साइड टाइट हो गया थोड़ी। ये क्या कर रहा है? अबे दुख रहा। सॉरी। तुम ठीक तो? मिसिंग यू। वीरू कहाँ है? वो टीवी देख रहा। वो हमारी बातें तो नहीं सुन रहा? नहीं। जय, I love you। I love you too। I love you very much, Anna। अपना ख्याल रखना। I'll see you tonight। Bye। Anna, girlfriend, मुझे तो नहीं बताया तूने इतने महीनों में। कब बताता? जब हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। एना नर्स है। ओ, मतलब बॉडी का इलाज करते करते सीधा दिल में। वेरी गुड। वैसे एना का बाप भाई माँ बहन आगे पीछे कोई है?
वो तेरी प्रॉब्लम थी, मेरी नहीं। याद है हर लड़की के पास पहले मैं जाता था। वो लड़की का क्या नाम था? अंजलि। दिव्या। चल छोड़, बता कौन जीतेगा, लाल चड्डी के पीली चड्डी? लाल चड्डी। बेट कितने की बोल? अरे छोड़ यार बेट, पिछली बेट के पैसे तो दिए नहीं। कौन सी बेट? भूल गया, वो जब मैं 30 सेकंड में पूरी विस्की की बोतल पी गया था। हंस क्यों रहा है? कितने थे? 500। दे रहा है क्या? ले। अच्छा बनाया ना तूने मुझे, 6 महीने दोस्ती के गाने गाता रहा। साले भाई से बढ़कर माना था तुझे। मैंने कहा ना मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी का बहाना मत दे, मैं क्या था तेरे लिए, एक मजाक? मैंने भी तुझे भाई माना था। एहसान किया मुझ पे, आज तेरी वजह से मुजरिम की तरह भागता फिर रहा हूं। मैं तुझे बचाना चाहता था और तूने मुझे ही मारना चाहा। कितनी बार कहा तुझसे, वो एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट। क्यों बे? हाँ, चिप से मारेगा मुझे? तुझे लगता है मुझे चिप से दर्द होगा? तेरी सर में गोली लगेगी ना, तब तुझे पता चलेगा असली दर्द क्या होता है। अच्छा ये ले। हाथ बांध के हीरो बन रहा है, एक बार ये हाथ कड़ी खोल दे फिर बताता हूँ तुझे। क्या बताएगा? हाँ, गलती कर रहा तू। मुझे बताएगा तू? गलती कर रहा तू। मुझे बताएगा तू? गया ना उसके बाद तू गया। हाँ खुल गया, खुल गया। चल 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 चल, अब तू गया, गया तू, गया तू। मैं मार दूंगा, मार 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 दूंगा मैं, पहले कह रहा हूँ। देख मार मुझे, मार 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 मुझे, मार दूंगा। देख मैंने पहले कहा था मार दूंगा। Thank you.
बाबा जी डोंट वरी, अब ये गाड़ी मेरे पेट्रोल पे चलेगी। बाबा जी आपको तो हिमालयन कार्यालय में जाना चाहिए। कुछ मोड़ों पे तो डर के मारे मैंने भी आंखें बंद कर ली थी। अरे उन मोड़ों पे तुम्हारी अपनी आंखें बंद हो गई थी भाई। अच्छा ये बताओ कि ड्रॉप किथे करना है? इंडिया ड्रॉप कर सकते हैं। उसके लिए तो प्लेन चोरी करना पड़ेगा। प्लेन नहीं, बस डॉक तक छोड़ दो। चलो बैठो, क्योंकि अब यहाँ से इंडिया तक तुझे मैं पहुंचाऊंगा। कैसे? एक बार बोल दिया ना तो सुनने का, बार बार नहीं बोलेगा। कैप्टन, ए हाउ आर यू मैन? देखा ईमानदार कस्टमर हूँ ना, पिछली बार सिंगल टिकट पर आया था, वापस भी आप ही के साथ जा रहा हूँ, और इस बार एक और कस्टमर। पैसा? पैसे दे रहा हूँ यार। जय ओ पैसे। तीस हजार। तीस राइट। यू गो कैप्टन, पूरे 30,000 है। It's not enough. Come on यार, आया था साथ में, पूरे पैसे दिए थे ना। घड़ी? चल ठीक है, जय वो घड़ी मांग रहा है यार, घड़ी देनी पड़ेगी उसको। वीरू मैं ये घड़ी नहीं दे सकता। Come on जय, टूटी फूटी घड़ी, मुंबई में दूसरी ला दूं। नहीं वीरू मैं नहीं दे सकता। कैप्टन come on यार, मैं सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे पैसे दिए थे, इस बार भी 30 दे रहा हूँ मैं। तू जानना चाहता है मैंने अपनी घड़ी क्यों नहीं दी? नहीं, मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी है। ये घड़ी मेरे भाई राहुल की आखिरी निशानी है। भैया भी एक पुलिस ऑफिसर थे, जब वो बिकने को तैयार नहीं हुए तो तेजपाल ने उन्हें मार दिया। उस दिन जब तूने मुझे पहली बार तेजपाल से मिलवाया तो मैं ही जानता हूं मैंने अपने आप को कंट्रोल कैसे किया था। I'm sorry, जय। तू तेजपाल को पकड़ना चाहता ना, उसके कर्मों की पूरी कुंडली है मेरे पास। मतलब? उसकी डायरी मेरे पास है, और इसीलिए उसके लोग मुझे ढूंढते ढूंढते बैंकॉक पहुंच गए। उस डायरी में उसकी डीलिंग्स और कॉन्टैक्ट्स सबके रिकॉर्ड्स हैं। अखबार में छपने वाला हर बड़ा नाम उसमें मौजूद है, उनकी कीमत के साथ। ये डायरी है कहां? मैंने मुंबई में छुपा के रखी है, पहुंचते तुझे दे दूंगा। डायरी मिल जाने के बाद तुझे मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जय बोल रहा हूँ, सर कुछ ही देर में हम मुंबई पहुंच रहे हैं। ओके जय, कहाँ लैंड करोगे? सर आप अकेले हैं? क्या हुआ जय? सर बैंकॉक के बाद मुझे शक है कि हमारे डिपार्टमेंट में से कोई तेजपाल के साथ मिला हुआ है। यू डोंट वरी, ये इंफॉर्मेशन सेफ है, बोलो। वीरू को लेकर जय वापस आ रहा है, वी नीड टू अरेंज बैकअप। कहां भिजवाना है? ये
इसीलिए तेजपाल तेरी जान के पीछे पड़ा है ना। दिस टाइम वी गॉट हिम। ट्रांसपोर्टेशन डायरी के बारे में कुछ मत बताना। इंस्पेक्टर जय, ही इज वर्मा, मित्रा फ्रॉम सीबीआई। वर्मा, इसकी क्या जरूरत है? प्लीज इंस्पेक्टर, हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए, खन्ना और सिंह के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तुम किस्मत वाले हो, ये तेजपाल के बारे में बहुत कुछ जानता होगा। सब कुछ जानता हूं मैं। सीबीआई ऑफिसर आनंद मित्रा, राइट? यही है ना तुम्हारा पहला नाम? मुझे कैसे पता? पता नहीं, शायद मैंने तुम्हें बताया होगा जब हम मिले थे। ओ, शायद इन्होंने मुझे बताया होगा। सुना जाए, शायद इन्होंने मुझे और तुझे दोनों को यह बताया कि हाय, मैं हूं सीबीआई ऑफिसर आनंद मित्रा। आनंद मित्रा नहीं, मुझे इसलिए पता है तुम्हारा नाम क्योंकि मैं एक जोशी हूँ, वीरू जोशी। मुझे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है, इसीलिए मुझे पहले ही पता चल गया कि जय एक पुलिस ऑफिसर है। इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम भी पता है, इसका नाम भी पता है, सीबीआई ऑफिसर दिनेश वर्मा, राइट? क्या बकवास कर रहा है, इसे चुप कैसे कराते हो? ऐसे उनके नाम डायरी में थे क्या? हाँ, उन दोनों के नाम मैंने डायरी में देखे थे, और भी बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम है उस डायरी में। जय, मैं तुझे बता रहा हूँ, उस डायरी में इतना कुछ है कि कम से कम तेजपाल 20 सालों के लिए अंदर जाएगा। चल, मुझे आगे छोड़ दे। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता वीरू। क्या, अब मेरी क्या जरूरत है? दे तो दी तुझे डायरी। तुम इस केस में प्राइम विटनेस हो, तेजपाल को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में तुम्हारी गवाही सबसे ज्यादा जरूरी होगी, और मैं वादा करता हूँ वीरू, तुम्हें कम से कम सजा होगी। हाँ, कम से कम सजा होगी। गाड़ियां चुराना, नकली नोटों का धंधा करना, एक पुलिस वाले के सर में गोली मारना। 8 या 10 साल के बाद मिलूंगा तुझसे, वो भी तब अगर मुझे तेजपाल ने कोर्ट तक जिंदा पहुंचने दिया, जबकि हम दोनों जानते हैं कि उससे पहले ही मुझे मार डालेगा। तुम्हारी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। तेरी सिक्योरिटी मैंने देखी है, आधे से ज्यादा पुलिस फोर्स तेजपाल के साथ काम करती है। तू जानता है वो मुझे मार डालेगा। हम दोनों दोस्त है जय, क्या वो कोई मायने नहीं रखता? सब कुछ जानते हुए भी तू मुझे मौत के मुंह में ढकेल रहा है। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं वीरू। तो ये है वीरू। इसके सेल की सिक्योरिटी बढ़ा दो, मैं नहीं चाहता ऐसे कुछ हो जाए, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर कुछ हुआ देन शूट टू किल। ठीक है, डिड यू गेट इट? हवलदार जय, अपना ख्याल रखना। हेलो जय। आना, आना, तुम्हें कैसे पता मैं वापस आ गया हूँ? क्या हुआ आना, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? जय, वो मुझे वो। आना, 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 what's the matter? आना। प्रणाम जय। आना को तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मिलने नहीं आओगे? वीरू और डायरी के साथ। सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कहां आना है।
सेल खोल। क्या हुआ? तुझे इंटरोगेशन के लिए हेडक्वार्टर्स ले जाना है। हैं? जल्दी कर, टाइम नहीं। इसे कहां ले जा रहे हो जय? सर किसी सेफ जगह पर, यहां वीरू की जान को खतरा है। हा? पुलिस स्टेशन में खतरा? किससे? सर इसे, ये तेजपाल का इन्फॉर्मर है। What? What the hell? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर मैं सच कह रहा हूँ, जो सीबीआई ऑफिसर हमें पिकअप करने आए थे वो हमें मारना चाहते थे और वो इसी के आदमी थे सर। क्या? रणबीर सिंह, कंट्रोल हिम। एंड यू डोंट फॉरगेट, ये केस अब सीबीआई का है। जय, मैंने उस ब्लैक बुक में रणबीर सिंह का नाम भी देखा था। क्या? Are you sure, वीरू? Yes, I'm sure. तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अरे अपनी आंखों से देखा था। ये सब क्या चल रहा है? जय मेरी बात सुनो। Don't move. ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? I said don't move. मुझ पर गन? तुम्हारी ये हिम्मत? मेरी हिम्मत तूने अभी देखी कहाँ है? ड्यूटी, फर्ज, कानून, दूसरों को लंबे लंबे लेक्चर, मगर खुद? Put your gun down. जय चल, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अरे नोबडी मूव, स्टे बैक। तुम्हें इशारा मानी चाहिए। जय चल, पकड़ो ने। हम लोग यहाँ क्यों आए? वीरू कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। जय, एक बात पूछूं? तेरे बॉस का नाम क्या है? रणबीर सिंह। ओ, एक बात बोलूंगा तो मारेगा तो नहीं ना? मुझसे गलती हो गई यार, इसमें करप्ट ऑफिसर का नाम रणबीर सिंह नहीं रणधीर सिंह लिखा हुआ है। क्या बकवास कर रहा है तू? I'm sorry. तेरी सॉरी से क्या होगा? जानते तूने क्या किया है? You have finished me. You have finished my life. You have finished my career. Everything I worked for finished. जय, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूँ ना तेरे साथ। अरे क्या करेगा तू? तू ही तो सारी मुसीबत की जड़ है। जानता है इस वक्त मेरा बॉस रणबीर सिंह पूरी पुलिस फोर्स को लेकर मेरे पीछे पड़ा होगा? हाँ, अब तुझे बचाओ, एना को बचाओ, अपने आप को। एना? एना को क्या हुआ? तेजपाल ने उसे उठा लिया है और वो उसे तभी छोड़ेगा जब मैं उसे ब्लैक बुक और तुझे दोनों को सौंप दूं। मुझे? साले तू मुझे सौंपने ले जा रहा था? नहीं, तेरे जरिए आना को छुड़ाने का प्लान था। अबे तेरी प्लानिंग बहुत पहले से भुगत रहा हूं मैं। बैंकॉक तक भागना पड़ा था मुझे, तू हमेशा मेरे जरिए तेजपाल तक क्यों पहुंचना चाहता है? और कोई चारा नहीं था। चारा? 100 करोड़ चारे घूम रहे हिंदुस्तान में, किसी और बेचारे को पकड़ और मेरी जान बख्श। बैठा हुआ क्यों है? गाड़ी कौन चलाएगा? वापस क्यों आ गया? मेरे पास भी अब कोई और चारा नहीं है, तेरी आदत पड़ गई मुझे। चल ऐना को बचाते हैं। रिक्शा के पैसे भी नहीं है मेरे पास। चल अबे इसे यहीं छोड़ दिया, डायरी के बगैर सबको मार देगा वो। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, ये बाहर जैसा दिखता है लेकिन अंदर एक अलग ही दुनिया है। वो लोग यहीं होंगे, लेकिन जाए कैसे? कूदें क्या? तुझे फास्ट स्विमिंग आती है ना? नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, आगे ले आगे ले, उधर एक जेटी है, तू पीछे से घुमा, मुझे रास्ता पता है। चल चल चल, पीछे ले पीछे। होल्ड ऑन टू समथिंग। क्या क्या कर रहा है? Yeah!
अपने आतिशबाज को पकड़ने आया कि मुझे मरवाने के लिए? अगर तूने अपनी गन नहीं चलाई तो तू सच में मरेगा। अन्ना कहाँ हो? वो नीचे होगी। डायरी, मैं पहले आना को देखना चाहता हूँ। जय, मैं तुम्हारे साथ निगोशिएट नहीं कर रहा हूँ, मुझे डायरी दे दो। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। जय है ना, डायरी डायरी है ना, बीच में मैं भी तो हूँ, मिलने को निगोशिएट करेगा। शट अप। जय, तू इसको मार दे, क्योंकि इसको डायरी मिल गई ना, उसके बाद हम दोनों को मार देगा। शूट हिम, शूट हिम। जय, आई एम श्योर तुम अच्छी तरह जानते हो कि एक पुलिस वाले को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। गिव मी द डायरी, वरना पुट द गन डाउन। ठीक तो हो ना? I love you. मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुमने उसे वो दे दिया जो देना था? तुम्हें क्या लगता है मैं तेज बल के लिए आसान कर दूंगा? Come on, we have to go. जय, जय, ड्रॉप योर गन। ना, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही। ये क्या हो गया तुम्हें ना? ऐना मेरे साथ बरसों से काम कर रही है। मैंने ही भेजा था इसे तुम्हारे पास। मैं जानता था देर सवेर तुम मुझे वीरू तक पहुंचाओगे। Where's my diary? इसके पास है। Kill him. एक सेकेंड तेज पर। कोई किसी को नहीं मार रहा है। और जय, ये ना है ना? तो ये सब क्या हो रहा है? A love story with a very sad ending. इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है जय। मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी, तुम्हारी तरह। चल तेजू, अपनी गर्लफ्रेंड को बोल गन नीचे रख। एना, किल हिम, किल हिम एना। ओके, वेट।
सिर्फ चूके निकली है। तुझे और कोई नहीं मिली थी क्या? अगली बार तू मेरे लिए ढूंढ लेना। ये मेरे भाई राहुल के लिए। ये ले। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? तूने वाकई में मेरे लिए गोली खाई? मैंने कहाँ? इट्स ऑल राइट। वीरू तू निकल जा। क्या क्या बोला? जो तूने सुना। यू मीन फ्री टू गो? You're free to go. Thanks. Viru. Jai. मैं चाहता हूँ तू ये रख ले। इससे पहले मैं अपना इरादा बदल दूं, तू निकल जाए यहां से। एंड स्टे आउट ऑफ ट्रबल। आई ट्राई टू। हेलो कंट्रोल रूम, एम्बुलेंस भेज दीजिए। बीच के पास तेजपाल की बॉडी मिली है, जल्दी। सब पुलिस स्टेशन में जो वीरू कहां है? हमें वीरू की क्या जरूरत है? तेजपाल मर चुका है और इस डायरी में सब कुछ है। तेजपाल के कॉन्टैक्ट्स, बिजनेस पार्टनर्स और बिजनेस डीलिंग्स। ये तो अच्छा है।
लेकिन मुझे गन पॉइंट पर लेने के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। वेल डन जय। थैंक यू सर। On the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.